आइए नाज़रीन, आज हम आपको स्वीट एंड सावर चिकन बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देते हैं। सबसे पहले एक बोल में हमने 3/4 कप जो है वो कॉर्नफ्लावर का ले लिया है। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है 1/4 टीस्पून, और उसी तरह पर जो 2 अंडे हमने 2 eggs बीट करके रखे हैं उसमें भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेना है और इनको अब हमने फेंट लेना है। अब कुकिंग ऑयल है जो हमने फ्राइंग पैन में लिया है, एक डीप फ्राइंग पैन में। उसके बाद हमने जो चिकन है उसका एक पीस लेकर छोटा सा एक बैम्बू स्क्यूअर पे लगाया है, उसको हमने कॉर्नफ्लावर में अच्छी तरह से रोल किया है और फिर अंडे में डिप करके हमने उसको कुकिंग ऑयल में डाल दिया है। तो ये वो तरीका है जिस पर के बेटी ये रेसिपी बनाती है। और हम इसको कैसे बनाएंगे ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 1 egg लिया है, इसको हमने एक बोल में तोड़ लिया है और फिर इसको बीट कर लेना है। इसमें हमने 1/3 कप जो है ऑयल का डाल देना है, साथ साथ बीट करते रहना है, साथ साथ ऑयल डालते रहना है। फिर हमने 1/4 कप जो है इसमें पानी का ऐड किया है और इसको हमने फिर से बीट कर लेना है। जब आप ये देखें कि ये थोड़ा सा मिल्की हो गया है, इसका कलर चेंज होने लगा है, तो इसमें आपने 1/3 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर का डाल देना है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है, 1/4 टीस्पून ईच होगा। और इसमें हमने एक स्टॉक क्यूब डाल देनी है चिकन की। आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो बेशक ना डालें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें मैदे का डाला है, यानी कि प्लेन फ्लावर का। और इन सब चीज़ों को हमने अब बीट कर लेना है, यहाँ तक कि ये थोड़ा सा थिक दिखाई देने लगे। आप देखेंगे कि हमारा जो बीटर है वो पीछे एक ट्रैक सा छोड़े जा रहा है, उस वक्त तक आपने इसको बीट करना है। अब हमने चिकन जो है उसको क्यूब्स में काट लेना है। कुछ ब्रेस्ट ले लें, कुछ थाइज ले लें, दोनों ही मिक्स कर लें। 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का लगा लेना है। थोड़ा सा ही बनाया है हमने ये, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और बैम्बू स्क्यूअर्स के साथ हमने इसको उस बैटर में डिप करना है जो कि हमने तैयार किया था, और फिर हमने इसको ऑयल में डाल देना है। इस रेसिपी से चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। जो हमने अभी आपको सबसे पहले बेटी की दिखाई है उस पर ये अच्छी बनती है, लेकिन हमको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप ऑयल तक स्क्यूअर लेकर जाएं तो स्क्यूअर को ऊपर से ट्विस्ट कर दें, इस तरह से ये होगा कि वो आसानी से चिकन की बोटी में से निकाला जा सकेगा। अब हमने एक पाइनएप्पल लिया है, ये पाइनएप्पल कटर जो है या स्लाइस करने वाला जो हमने यूज़ किया है ये बहुत ही काम की चीज़ है। ऑनलाइन ही लिया है, आपको भी बहुत आसानी से मिल जाएगा और बड़े अरसे से हम इसे घर में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह पर हमने इसको घुमाकर अंदर डाला है और ये देखिए सारा का सारा पाइनएप्पल जो है बीच में से वो साफ़ सुथरा आप इस तौर पर निकाल सकते हैं। साइड्स पे इसके ऊपर हैंडल के 2 बटन्स लगे हैं, उनको दबाएं तो हैंडल जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और इस तरह पर आप इस रॉड पर से पाइनएप्पल उतार सकते हैं। तो जिनको पाइनएप्पल पसंद हो उनके लिए ये चीज़ जो है ये बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर बहुत अच्छी है। और ये वो चिकन है जो कि बेटी की रेसिपी से तैयार हुई है। इसको अब हम ऑयल से निकाले लेते हैं, ये अच्छी तरह से तली जा चुकी है, मीडियम हीट पर हमने रखी हुई थी। और दूसरी तरफ हमने 3 लार्ज क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के लिए हैं, उनको हमने हाथ से ही कूट लेना है। फिर एक मेजरिंग कप में हमने 1/4 कप जो है वो विनेगर का लिया है, यानी कि सिरके का, और उसमें हमने 3 टेबलस्पून जो हैं वो सोया सॉस के डाल लिए हैं। थिक सोया सॉस है और ये है उसका ब्रांड जो कि आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें इतना टोमेटो सॉस डालना है कि ये 1/2 कप हो जाए, 1/2 कप से बेशक ज़रा सा ज़्यादा ही हो जाए। मेजरिंग कप में इसीलिए डाला है कि गाहे गाहे हम उसमें चीज़ें एक के बाद दूसरी डालते रहें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितना लिया है। अब हमने 1/3 कप जो है शुगर का लिया है और उसको भी हमने इस सोया सॉस वाले मिक्सचर में ऐड कर देना है। पाइनएप्पल का जो जूस बोल में इकट्ठा हुआ था वो भी हमने इसमें डाल देना है। और अब ये देख लें हमारे पास 1 कप से कुछ ज़्यादा लिक्विड है जो कि इसमें मौजूद है। अब हमने जो गार्लिक क्रश किया था वो ऑयल में डाला है, थोड़े से ऑयल में, और उसको हमने ज़रा सा हिला लेना है यहाँ तक कि उसकी खुशबू आने लगे। और ये सारा जो लिक्विड हमने तैयार किया था वो हमने उस गार्लिक में ऐड कर देना है। ज़रा सा ही गर्म हो तो उसमें आप कैप्सिकम डाल दें, कैप्सिकम को थोड़ा सा पका लें। जब आपको लगे कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो उसमें आप चिकन ऐड कर दें, चिकन को थोड़ा सा हिला लें, फिर उसमें 1/2 कप जो है वो कटे हुए पाइनएप्पल का ऐड कर दें। तो ये तो थी हमारी स्वीट एंड सावर चिकन की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है।
चिकन बनाने के हमने इसमें दो तरीके सिखाए हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप अपना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट किए लेते हैं। इसको हमने एक बॉल में निकाल लिया है, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन काटा है सजाने के लिए, और थोड़े से हमने इसके ऊपर सेसमी सीड स्प्रिंकल किए हैं। हाफ के जी चिकन जो है वो इसके लिए बहुत काफ़ी है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।